आप थोड़ा सा इस लाइट को बंद कर दीजिए, हम जहाँ से आते हैं वहाँ बिजली कम प्राप्त होती है। नहीं, यहाँ प्राप्त होती है लेकिन रात मारती है बीच बीच। आप सुन बहुत बढ़िया रहे हैं, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, चरण की धूलि को प्रणाम करता हूँ, धूलि के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ, कण में लगे अणु को प्रणाम करता हूँ, अणु के परमाणु को प्रणाम करता हूँ, परमाणु के नाभि में छिपे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुल मिला के आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। में साक्षा ने सुना रही थी और आप पूरा हो करके मजे ले रहे थे। मेरे समझ में एक बात ये नहीं आ रही थी कि वो चार पंक्तियां दे रही थी और आप आनंद ले रहे थे, आखिर इन पंक्तियों से आप कैसे आनंद ले रहे थे? तो हमने बगल में पूछा जमुना जी से कि आदरणीय दादा, ये बच्चे बहुत समझदार हैं, ये चार पंक्तियां सुना रही हैं, ये आनंद ले रहे हैं। बोले कि पंडित पंक्तियों को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। एक चीज और मुझे, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आदरणीय एक और वरिष्ठ कवित्री हैं उनसे। हम तो इसी भारतीय सनातन परंपरा के लोग हैं, हम मानते हैं नारियास्त्र यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन कोई नारी जब माइक से कहती है कि नारी हम अवतार हैं, कन्याएं हम महिलाएं अवतार हैं, तो मैं बड़ा हीन भावना से ग्रसित हो जाता हूँ। जैसे हमारे बाप ने हमको गूगल से डाउनलोड किया, ताली न बजाएंगे। दो तरह के श्रोता कवियों को बिगाड़ देते हैं, एक जो बिना समझे ताली बजाते हैं और एक जो समझ के भी ताली नहीं बजाते। तो आप तालियां तब बजाइएगा जब आप अपने को रोक नहीं पाइएगा। हर पंक्ति पे यदि आदरणीय अध्यक्ष जी या आपके प्रबंधक या जो विशिष्ट लोग हो, इन्होंने यदि आपको दिशा निर्देश दिया हो कि हर पंक्ति पे बजानी है, तब तो कोई बात नहीं है। वरना यदि आप स्वतंत्र हैं, आपको जब आनंद आए तब तालियां बजाइए। मैं आपको कुछ अलग तरीके की रचनाएं सुनाता हूँ, लेकिन आप जुड़िएगा आपको बहुत आनंद आएगा और मेरा दावा है कि आप इस तरह का नहीं सुनेंगे। आजादी के बाद 67 वर्षों की आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, सबने कहा आतंकवाद नाक के ऊपर बढ़ रहा है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम करते कुछ नहीं। जिसकी भी सरकारें आई सबने केवल भाषण दिया, हम भी केवल वही कर रहे हैं भाषणबाजी। जैसे इन 67 वर्षों में भारतीय राजनीति का कोई विशेष मतलब नहीं है, वैसे हमारी कविताओं का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आनंद आपको पूरा आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। और देशभक्ति देखिए, गोली एक खर्च नहीं होगी, खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। नहीं, आप बता देखिए बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और हम जहां से आए हैं उसका पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन, बीच बीच में उत्कृष्ट हिंदी बोल
बोलने से आयोजकों को लगता है कि एक वास्तव में पढ़ा लिखा आया था, बाकी सब वैसे आ गए थे। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन बिना किसी नुकसान के देशभक्ति कि जीतना तू अभी तो वही तो सिद्ध करते बाबू, ऐसे कैसे होता है, ऐसे होता है। सुनिए कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। ये गलत बात है। जब आनंद का अतिरेक हो, जब अपने को रोक न पाए तब तालियां बजाए। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तमाकू थूक देते हैं। एक और देशभक्ति सी खानदान कसने, एक भी नेता खराब नहीं है, बस हमने इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया। हम कुछ नेताओं का ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, आप आनंद लीजिएगा। आज तक समझौते के लिए सीमा पर या सीमा के पार जितने लोग गए, एक भी ढंग के नहीं थे। ढंग के चले गए होते तो उग्रवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, कश्मीर की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। आप सुने, कौन गया होता तो क्या होता। हमसे पहले जितने हास्य कवि थे सबने निरर्थक हास्य लिखा, सार्थक हास्य केवल मैंने लिखा। उद्देश्य पर रचना सुनिए, कौन गया होता तो क्या होता। मैं कुछ को भेज रहा हूं। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो, कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाए। युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, इन तीन चार आइटमों को भेज दो। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि माया जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। माया जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि रावड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला। आपसे निवेदन करता हूं, आप भगवान के बहुत करीब हैं, तो आप भी वहां से समर्थन करें। और सुनिएगा, एक तुलनात्मक अध्ययन जाने बहु, हो सकता है कवरेज एरिया में ना आ रहा हूं। आपको बहुत आनंद आएगा। हमने कहा बेटा अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो, अब प्रयोग देखिएगा, प्रयोग धर्मी, इसमें आप
प्रयोग देखिए हाथ हमने कहा कैसे है, इतना बढ़िया कोई कह ही नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। आप सुनिए और आनंद लीजिए। हमने कहा बेटा अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो हम तुम्हारी दवाई हमारे पास है। एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे ये तेरे मन का भरम है, और सैनिक शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे ये तेरे मन का भरम है, और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दम खम है, कि मल्लिका मलाई का राखी जैसा आइटम तेरे पास।